2005 से 16 के बीच में 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए, ऐसा एक आंकड़ा आपके पास क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। इतिहास, कश्मीर, कब्रिस्तान, शमशान, भाई साहब बहुत बोर हो चुके, प्लीज RRR की बात कीजिए, रोजगार रोजगार और रोजगार। और ये कब्रिस्तान शमशान कब तक खींचेगा गौरव जी? RRR पे बात कीजिए, रोजगार रोजगार रोजगार। कहीं आप भी बीजेपी की टीम भी तो नहीं बन गए हैं? यूपी चुनाव, अरे सर यूपी चुनाव वाला शमशान कब्रिस्तान लेकर यहाँ क्यों आ रहे हैं? मैम तो माफी मंगवा दीजिए, आज इनके बोल इनसे बुलवा दीजिए कि मैं शर्म करता हूँ इस बात पे, जीवन में कभी बात नहीं करूंगा। ये तो अपनी बातों को डिफेंड कर रहे हैं, इनसे एक बार क्षमायाचना कराइए कि प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो गलत था, हम शर्मिंदा है उस चीज के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से कभी मुंह पे नहीं लाएंगे, पर ये तो डिफेंड कर रहे हैं आज भी उन्हीं बातों को। ये आज भी बेरोजगारी को बढ़ाने की बात सोचते हैं, ये बेरोजगारी को कम करने की इनके पास ना तो नीति है ना नीयत है। मैं तो इनके लिए तैयार हूँ उनकी बात सुनने के लिए। इनसे बुलवा दीजिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने गलत कहा, मैं कभी सवाल नहीं करूंगा, पर ये तो डिफेंड कर रहे हैं उनको। ये बताइए गौरव बल्लभ जी, आप तो अर्थशास्त्र के जानकार हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा जो आता है उसमें कितने साल पुराना डाटा होता है, इसका उत्तर दे दीजिए, एक एक शब्द में दिया जा सकता है, बताइए। मैंने जो आपको डाटा दिया सुधांशु जी, वो सेंटर कितने साल पुराना होता है? इकोनॉमी वो सितंबर 2020 पिछले महीने का आंकड़ा दे रहा हूँ सर, पिछले महीने का CMIE का आंकड़ा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा। अरे उसमें उसके पिछले एक महीना पुराना आंकड़ा दे रहा हूँ। अच्छा, एक महीना मैं झूठ सुधांशु जी, मैं गलत बात बोल के निकलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं CMIE का आंकड़ा दे रहा हूँ, CMIE का आंकड़ा दे रहा हूँ। रोजगार का आंकड़ा 5 साल पुराना होता है। अरे भाई साहब, मैं CMIE का आंकड़ा दे रहा हूँ, आप तो देते ही नहीं आंकड़ा, भारत सरकार तो कभी देती नहीं आंकड़ा। वो जो अब देखा आप डिस्टर्ब करने लगे, मैंने आपसे कहा था एक शब्द में आप उत्तर दे सकते हैं, वो आपने नहीं दिया, आप डायवर्ट कोई बातें वो आपने बोल दिया, मुझे अपनी बात करने दीजिए। होता क्या है कि 5 साल पुराना डाटा होता है, इसलिए जो UPA 1 में 2% था वो तो वाजपेयी सरकार का था, और जो आप कह रहे हैं पिछले 6 साल में 8% है वो किस जमाने का है, तो आप खुद भी समझ सकते हैं। और मैं अब आंकड़ा आपको भी दे रहा हूं, आपकी सरकार के जमाने का आंकड़ा, सन 2004 से 2009 के बीच में जिस यूपीए 1 की आप बात कर रहे हैं, 27 लाख रोजगारों का सृजन हुआ, और 1999 से 2004 के बीच के 5 साल में 6.7 करोड़ रोजगारों का सृजन हुआ। यह आपकी सरकार का डाटा है, हमारा डाटा नहीं है यूपीए सरकार का। इसलिए और रोजगार की बात बिहार में, अरे भैया 15 साल सरकार चलाए लालू के साथ मिलकर, कितना रोजगार हुआ? सारा रोजगार खत्म कर दिए, यहां से तो निगेटिव ग्रोथ हो गई थी इंडस्ट्री की, हर साल 100 से 150 इंडस्ट्री चली जाती थी। रोजगार के लिए पलायन शुरू हुआ बिहार में, छोड़िए शिक्षा के लिए पलायन शुरू हुआ तो लालू जी के दौर में, जब आप बड़ी सरपरस्ती के साथ सरकार चला रहे थे, और आज आप कहते हैं रोजगार की बात, तो और वो भी बिहार के चुनाव के समय में, बिहार की धरती पर आप रोजगार की बात उठाते हैं तो बहुत ही आश्चर्यजनक लगती है। और देखिए कैसा झांसा दे रहे अंजना जी, 3 लाख सरकारी नौकरियां हैं 70 साल में बिहार में, और कह रहे हैं 10 लाख दे देंगे। भैया 3 लाख 70 साल में 10 लाख, और गौरव जी आप तो अंकों के बड़े माहिर हैं, ये एक सरकारी नौकरी में मिनिमम 40-50 हजार सैलरी होती है जिसका आकर्षण दिखता व्यक्ति को, और 2-2.5 लाख तक सैलरी होती, आप बीच में 1 लाख मान लीजिए, ये 10 लाख × 1 लाख कितना हुआ? ये तो कुल बजट का 4 गुना हो गया भाई, क्या झांसा दे रहे हैं भाई लोगों को रोजगार के नाम पर। और बात कह दू आप अंजना जी, एक और बात देखिए, आज घूम फिर के आ गए ना, कह रहे बिहार में झांसा दे रहे हैं आप लोग 10 लाख नौकरी के नाम पर।